पिताजी के वकील ने दी हाई कोर्ट से खुशखबरी, सास संगत के लिए आई खुशखबरी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु जी की प्यारी सास संगत जी, जो भी वाक्य आपने अभी सुना है ये बहुत ही जल्द हकीकत में भी आप सुनने वाले हैं, क्योंकि सास संगत जी हमारे हजूर पिताजी की किसी ना किसी बात में हर कोई राज होता है, और हजूर पिताजी ने अभी सभी सत्संगत को सत्संगत के बीच में परमानेंट रहने का हिंट भी दे दिया है। सत्संगत जी, हजूर पिताजी ने क्या हिंट दिया है इस वीडियो में, आपको शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना है। जो सूचना मैं आपको ध्यान से जो आपको सूचना मैं देने जा रहा हूँ आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि सत्संगत जी हमारे सदगुरु सच्चे दाता जो भी वचन करते हैं वे हकीकत में 100% पूरे होते हैं, और उनके क्या वचन आए हैं वो वचन आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। सत्संगत जी, वचन सुनने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर भी कर दे, ताकि सभी को इस सूचना के बारे में पता चल सके, और जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि इस चैनल पर डेरे सच्चे सौदे से संबंधित हर एक वीडियो हम टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। सत्संगत जी, जैसे कि आप सभी को पता है कि हजूर पिताजी ने अभी 2 दिन पहले वचन किए थे कि सभी सत्संगत को, और प्रण भी करवाया था सभी सत्संगत से कि 15 से 20 मिनट डेली सुमरिन जरूर करेंगे। ये सत्संगत जी हजूर पिताजी ने किस वजह से किया है ये तो राज मालिक ही जानता है, लेकिन अगर आप इस पर ध्यान दो तो हजूर पिताजी ने ये इस वजह से प्रण करवाया है क्योंकि हाई कोर्ट में हजूर पिताजी की फाइल जमा है, उस पर याचिका नहीं खुल रही है। उस फाइल को स्थगित रूप से खुलवाने के लिए हजूर पिताजी के द्वारा ये वचन किए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी सत्संगत परमात्मा से अरदास करती है तो हाई कोर्ट में वो फाइल जरूर खुलेगी, और उस फाइल के खुलते ही हाई कोर्ट से हजूर पिताजी के परमानेंट जो है सत्संगत के बीच में रहने की संभावना है, क्योंकि हजूर पिताजी बेकायदा बेकसूर है, निर्दोष है, जितने भी आरोप है वे सभी झूठे हैं, और फाइल खुलते ही ये सबको दिख जाएगा कि हजूर पिताजी कितने सच्चे और नेक इंसान है। और जैसे एक गिलास में पानी के गिलास में कांच का गिलास होता है उसमें कचरा साफ दिखता है, इसी तरीके से हमारे सदगुरु को भी इस समाज में जो बुराइयां हैं बिल्कुल कचरे की तरह दिखती है। तो सत्संगत जी, आप सभी ने हमारे पिताजी के प्रति जो भी जितना विश्वास आपका अभी भी अटूट है ऐसे ही बनाए रखना है। कुछ सत्संगत गुमराह हो रही है तो आप सभी ने उन सभी को ये शेयर करनी है वीडियो, जिससे कोई भी भाई बहन हजूर पिताजी के प्रति गुमराह ना हो। तो सत्संगत जी, इसमें आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेवा ज़रूर बनती है, और मालिक सेवा के बदले कुछ देता ही है, कभी कुछ लेता नहीं है। तो आप सभी ने जो है पिताजी के पिताजी ने जो अरदास करवाई है सभी से कि भाई 15-20 मिनट सिमरन डेली करना है, तो आप सभी ने मिलकर ये सिमरन जरूर करना है डेली, कम से कम 15-20 मिनट तो जरूर करना है, और जो आपने अखंड सिमरन लिया हुआ है वो तो करना ही करना है। तो सत्संगत जी, हजूर पिताजी ने ये बहुत ही अच्छा संदेश दिया है, बहुत ही अच्छा हिंट दिया है, बहुत ही अच्छे संकेत दिए है, तो आप सभी इस चीज़ से समझ सकते हो हमारे कुल मालिक सदगुरु हर कदम उठाते हैं उसमें कुछ ना कुछ राज जरूर होता है। तो ऐसी ही वीडियो जैसे भी कोई सूचना मिलेगी तो हम इसमें सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से सूचना जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करने के बाद लाइक कर देना। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।